पारिवारिक विवाद में बागबेड़ा निवासी बंटी शर्मा को उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने छत से फेंककर बुरी तरह से घायल कर दिया। घायलावस्था में बंटी शर्मा को उनके परिजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। बागबेड़ा रिवर व्यू कॉलोनी निवासी बंटी शर्मा की शादी सोनारी निवासी रितु शर्मा से हुई है। इन दोनों के बीच कई दिनों से पारिवारिक विवाद चल रहा है, जहां रितु अपने मायके में ही रह रही थी। रितु के पति बंटी शर्मा ने किसी युवक के साथ रितु को देख लिया और उसके बाद उसका मोबाइल छीनकर अपने घर आ गया। जानकारी मिलते ही रितु के परिजन बागबेड़ा रिवर व्यू कॉलोनी पहुंचे और बंटी शर्मा और उनके माँ पिताजी की जमकर पिटाई की और बंटी को तीन तले से नीचे फेंक दिया। जानकारी मिलते ही बंटी के भाई घटनास्थल पर पहुंचे और इस संबंध में बागबेड़ा पुलिस की सूचना दी, जहां बागबेड़ा पुलिस बंटी को प्राथमिक इलाज के लिए सदर अस्पताल भिजवाया। जानकारी देते हुए बंटी के भाई ने बताया कि उनके भाई और उनकी पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा है, दोनों का सुलह भी कराया गया था, बावजूद उसकी पत्नी किसी अन्य युवक के साथ घूम रही थी, जिससे आक्रोशित होकर उसके भाई ने अपनी पत्नी का मोबाइल छीन लिया और घर आ गया। तब से भाई के ससुराल वाले लगातार उनके भाई को जान से मारने की धमकी दे रहे थे और आज उनकी पत्नी उनके ससुर और 10 से 15 की संख्या में युवक हथियार से लैस होकर उनके भाई के घर पहुंचे, घर के सदस्यों के साथ मारपीट करने लगे और उनके भाई को तीन तले। वाइफ मेरा भाई की वाइफ है जो सोनारी में रहती है, रितु कुमारी, और उन भाई का नाम है बंटी शर्मा। बंटी शर्मा जुगसलाई रिवर व्यू कॉलोनी बागबेड़ा में रहता है। तो जैसे कुछ दिनों से आपसी मैटर को लेकर इसकी वाइफ अपने माँ घर गई हुई है और ना इसको बच्चों से मिलने दे रही है ना कुछ कहने दे रही है। इसके चलते कोर्ट में इसका कुछ केस उस चल भी रहा है कि या डिवोर्स दो या मेरे बच्चों से मिलने दो। उस विषय में एक बार भरत सिंह के यहाँ मीटिंग भी कराया गया था कि साक्षी वाला, क्योंकि उसके भाई वहाँ पे जॉब करता है बीजेपी, भरत सिंह, तो वहाँ मीटिंग हुआ था, वो बोले थे वो आ जाएगी, लेकिन वो फिर भी लड़की नहीं आई। अब ये क्या हुआ, कल दो दिनों पहले परसों अपनी वाइफ को किसी लड़के के साथ घूमते देखा, ये जाके गुस्से में उससे फ़ोन छीन के लेके आ गया। उसमें उसके लड़की का लड़के के साथ का बहुत सारा अश्लील फुटेज वगैरह था। उसके चलते आज वो लोग इसको कल से जान से मारने का धमकी दिए जा रहा है कि हम तुमको जान मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज कम से कम 8 से 12-15 लड़के घर में घुसे, इसकी वाइफ, इसका ससुर, इसका साला और 8-9 लड़के अज्ञात वो लोग हथियारों के साथ घर में घुस के इसको तीन तल्ले से नीचे फेंक दिया। मेरे बुजुर्ग माँ बाप को मारा, मेरे भतीजे को मारा, सामान तोड़ गया और क्या क्या करके गया घर पे। उस समय कोई नहीं था, कोई नहीं, और पूरा बिल्डिंग के लोग देखे, नहीं माँ बाबू जी और ये था, और मेरा एक भतीजा है 12 साल का, उसको मारा, इसको तीन तल्ला से ऊपर से फेंक दिया डायरेक्ट। क्या करता है ये? करता टेम्पू चलाता है, ऑटो रिक्शा हाँ ऑटो रिक्शा चलाता है। नाम क्या है? बंटी शर्मा। और बागबेड़ा थाना में फोन किए सर, वो आए और अभी तक देख लीजिए इंजरी के लिए हमें भेज दिया गया, अभी 1 घंटा होने आ गया, कोई थाना नहीं पहुंचा है। तो अभी क्या लड़के का कंडीशन बहुत खराब, वो बोल रहा बार बार सांस नहीं आ रहा, डॉक्टर लोग खुद बोले छत से तीन तल्ला फ्लैट से नीचे फेंक दिया। आपका क्या नाम? मेरा नाम कानू शर्मा हुआ, समीर शर्मा उसका छोटा भाई है।